दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्विज टेबल, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कम समय में हम लोग दोस्तों इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए अब मेन मेन टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना क्वेश्चन करने के बाद आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं धुआंधार तरीके से दोस्तों। तो आइए बिना समय गंवाए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हेडिंग डाल दिए दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न के चिन्ह पर क्या होगा, यानी प्रश्न इस क्वेश्चन देगा उसमें कहीं व्हाट का चिन्ह देगा, प्रश्न का चिन्ह देगा, प्रश्न के चिन्ह पर क्या होगा। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल में देख रहे हैं दोस्तों, एस एस सी 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो खैर चलिए, प्रिंटेड तो नहीं है तो माने नहीं रखता है, पर आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, 3, 4, 5 और नीचे दिया 6, 8, 1। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जबरदस्त तरीका देखिए, 3 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9, 16 यानी होगा 9 और ये होगा 16 यानी 25। 25 कितना का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो ये 5 हो गया। उसी तरह करें 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा यानी 36 और 64 दोस्तों जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 कितना का वर्ग है, 10 का, अर्थात व्हाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, ठीक है जी हाँ दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सेम फोटो दिया है 6, 8, 49 और नीचे दे रहा है 12, 8, 1 और ऑप्शन दिया है 89, 80, 81, 100। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उसी अंदाज में करेंगे जैसे मैं देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं दोस्तों, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो 6 और 8/2 स्क्वायर, 814 में 200 भाग देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 49 होगा। उसी तरह नीचे आएंगे तो 12 और 8 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 10 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, अर्थात ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दिया है 6, 4, 8, 12 और 10, 5, 20 वाट। तो दोस्तों इसमें लाना है कि वाट के जगह पर क्या होगा। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो सब में फॉलो, जैसे कि हम इसको सॉल्व करें, देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यदि 10 में 2 से भाग दे दे तो उसके आगे वाला 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि 8 और 12 के जोड़ेंगे तो 20 आएगा, अब 20 में 2 से भाग दे दे तो 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जी हाँ दोस्त, चौथा क्वेश्चन है देखिए क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन दिया, देखिए 8, 8, 4, 5, 2, 5, 10। तो जी हाँ दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बड़ा इजीली तरीके से, देखने में तो कुछ अधिक लग रहा है लेकिन देखिए इसको देखते हैं, 4 और 5 यानी 4 × 5 और भागा 2, 5 × 20 में 2 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर भाग 10 आएगा और 10 में फिर 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, 8 × 4 / 2 कितना आएगा, 16, और फिर 16 में 2 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा कि नहीं। तो ये जो 10 का स्थान जब यहाँ था तो 16 का स्थान कहाँ होगा, यहाँ होगा, अर्थात रिक्त स्थानों में क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। एक बार फिर से समझिए, 4 में 5 से गुना किए 20 आया, 20 में 2 से भाग दिए, इस 2 से भाग दिए तो 10 आया, और 10 में फिर अपने पास के 2 से भाग दिए तो 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर वही कंसेप्ट अपना है इसमें कि 8 में 4 से गुना किए तो 32 आया, 32 में 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो 16 आएगा, फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 यहाँ रह जाएगा और 16 यहाँ हो जाएगा, ठीक है जी हाँ दोस्त। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए दिया है एक गोली आकृति वृत्त दिया है और 6 के सामने 3 दिया है, 5 के सामने 2 दिया है और 1 के सामने 4 दिया है और बीच में 131 दिया है। तो कुछ ऐसा गुना भागा करें कि 131 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यदि हम 2 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, अच्छा यदि हम 6 में से 3 घटाएं तो 3 आएगा, और यदि हम 5 में से 4 घटाएं तो 1 आएगा। 131 मिला कि नहीं मिला, पहले के लिए था। अब आइए दूसरे के लिए आते हैं तो क्या करेंगे, 4 में से यदि हम 2 घटाएं तो 2 मिलेगा, अच्छा उसके बाद 6 में से 2 घटाएं, 6 में से दोस्तों 2 घटाएं
यानी चार मिलेगा, और फिर आठ में से जीरो घटाए, आठ में से जीरो घटाए तो आठ मिलेगा, यानी कुल मिला कर कहें तो हो जाएगा दो चार आठ, दो चार आठ हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दो चार आठ भी मिल गया, तो कुल मिला के बाद इसका कर लेते हैं, कुल मिला के बाद इसका कर लेते हैं, तो क्या करेंगे सात में से पाँच घटाएंगे तो दो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नौ में से तीन घटाएंगे तो छ होगा, और यदि तीन में से एक घटाएंगे तो दो हो गया, यानी कुल मिला के आंसर कितना हो गया 262, 264। इस गोले में आप क्या भरेंगे दोस्तों, 262 भरेंगे, ठीक है। ओके ये दोस्त पचवा छठा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है सी तीन, यानी ये भी अल्फाबेट का सी तीन पर नहीं आता है, आर अठारह पर आता है, डी चार पर आता है, एन चौदह पर आता है, और बी टू पर आता है, आई नौ पर आता है, एच आठ पर आता है, ई पाँच पर आता है, और यहाँ वाट दिया है। तो कह रहा है इन्हीं ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हुए ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन होगा, नीचे दिए गए प्रश्न के चिन्ह पर क्या होगा। तो देखिए नीचे दिए गए प्रश्न के चिन्ह पर क्या होगा, तो इसके लिए कुछ सीरीज देखते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि दिए गए पावर जोड़ें तो तीन अठारह और चार जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, पच्चीस आएगा, अठारह चार बाईस तीन पच्चीस, यदि इसको भी जोड़ें तो चौदह दो और नौ, नौ दो ग्यारह या चौदह दोस्तों कितना आएगा, पच्चीस आएगा। तो इसको भी जोड़ें, इसको भी जोड़ें तो क्या होगा, आठ और पाँच जोड़ दिए तो तेरह हो गया, तेरह में क्या जोड़ें, तेरह में क्या जोड़ें कि पच्चीस हो जाए। तो दोस्तों बारह रिक्वायरमेंट है, यदि बारह हम जोड़ दे रहे हैं तो पच्चीस होगा। अब बारह अंक वाला देखेंगे जो होगा आंसर होगा, तो बार एल बारह दिया है अर्थात एल के पावर बारह दोस्तों आंसर होगा। या दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नंबर, अब आप देखिएगा क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दिया है वाट की जगह पर क्या होगा, इस क्वेश्चन को एक एक खंड करके हल करते हैं, जैसे भाग इसको वन मानते हैं, भाग वन भाग टू भाग थ्री भाग फोर, इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों बारह में तीन से गुना किए, बारह इसको हल कर रहे हैं, तो बारह में तीन से गुना करेंगे तो होगा छत्तीस, और छत्तीस कितना वर्ग है, छः का वर्ग है, छत्तीस छः का वर्ग। यदि इस खंड में आते हैं तो दस में दो दशमलव पाँच से गुना करेंगे तो आएगा पच्चीस, और पच्चीस कितना वर्ग है, पाँच का वर्ग। यदि इस खंड में आते हैं तो होगा सोलह गुना चार करेंगे आएगा चौंसठ, चौंसठ कितना का वर्ग है दोस्तों, आठ का वर्ग है। इस तरह से इसको करेंगे तीन गुना सत्ताईस, सत्ताईस तीन इक्यासी, इक्यासी कितना का वर्ग है दोस्तों, नौ का वर्ग, अर्थात ऑप्शन हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, नौ हो जाएगा। जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है देखिए, तीन तीन का दो बॉक्स दिया है, पहले में कह रहे हैं उनचास चौंसठ इक्यासी, सब देखने में सब वर्ग लग रहा है, सात का आठ का नौ का, ये दस का और ये बारह का, तो बीच में क्या होगा ग्यारह का, यानी देखिए ये है सात का वर्ग और ये है आठ का वर्ग, ये है नौ का वर्ग, तो उसके बाद क्या होगा दस का वर्ग, ग्यारह का वर्ग और बारह का वर्ग, यहाँ तक तो हम लोग सही है, अर्थात ग्यारह का वर्ग क्या हो गया, ग्यारह गुने ग्यारह दोस्तों, ग्यारह गुने ग्यारह ये होता है एक सौ इक्कीस, यानी ऑप्शन डी हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्त अगला क्वेश्चन है, तीन पाँच चार साठ वाट, ये वाट है देखिएगा ध्यान से, वाट चार चार छियानवे, छियानवे है ध्यान से देखिएगा, छियानवे है, पाँच सात चार एक सौ चालीस है, और कह रहा है दोस्तों ऑप्शन दिया है चार छः आठ नौ, इनमें कौन होगा वाट के जगह पर कौन होगा, तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, तीन पचे पंद्रह चौका साठ, यानी तीन गुने पाँच गुने चार बराबर हो गया साठ। यदि इसको बनाते हैं तो देखते हैं पाँच गुने सात गुने चार बराबर हो गया एक सौ चालीस, पाँच सात पैंतीस चौका एक सौ चालीस। तो उसी तरह यदि हम इसको बनाते हैं दोस्तों तो चार चौका सोलह, आज सोलह में कितना से गुना करेंगे कि एक सौ छियानवे आ जाएगा, तो सोलह छक छियानवे ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। ध्यान से देखिए चार चौका सोलह, सोलह में कितना से गुना करेंगे छियानवे आ जाए, तो चार से करेंगे तो चौंसठ, छियानवे नहीं आया, आठ से करेंगे तब वो नहीं आएगा, छः से करते हैं इसलिए सोलह छक छियानवे दोस्तों ऑप्शन सी और बी हो गया, ठीक है। जी हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैजिक बॉक्स दिया है, करें तीन छः आठ पाँच आठ चार और चार सात वाट, वाट की जगह पर क्या हो, देखिए इसको इजली तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, छः तीन नौ आठ सत्रह, फिर जब इसको जोड़े तो पाँच आए आठ, तेरह या चार सत्रह, इसको भी जोड़े क्या जोड़े कि सत्रह आ जाए, तो सात चार ग्यारह, आ इसको कुछ नहीं मानते हैं तो एक्स मान लेते हैं, और कितना रहा है सत्रह, तो एक्स तो सत्रह प्लस ग्यारह इधर आएगा तो माइनस ग्यारह और ये घट गया तो छः ऑप्शन ये सही है दोस्तों। जी दोस्त क्वेश्चन दिया देखिए, वृत्त के अंदर वृत्त के चार भागों में बांट दिया, कह रहा है चार सोलह चौंसठ और वाट, देखिए देखने से कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है
चार दो का वर्ग चार हुआ, सॉरी चार है चाहे दो का, हाँ करिए दो का वर्ग चार हुआ या चार एकम चारे है और चार के वर्ग सोलह और चार के क्यूब चौंसठ, तो चार के पावर फोर, चार के पावर फोर क्या होगा 256 दोस्तों, ये तो देख कर ही आप बना दीजिएगा ठीक है 256। देखिए ध्यान से, चार एकम चार, चार के स्क्वायर सोलह और चार के क्यूब चौंसठ और चार के पावर फोर कीजिएगा, फोर कीजिएगा इसका मतलब होगा सोलह गुना सोलह या कहे तो चार गुना चार गुना चार गुना चार, यह आएगा सरकार 256। ओके जी हाँ दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 1827 वाट, ये जो डिजिट दिया है 1827 देख के आपको मन में कुछ शंका जगता होगा कि शायद एक का क्यू करे तो एक होगा, दो का क्यू करे तो आठ होगा, तीन का क्यू करे तो 27 होगा, तो क्यों ना हम चार का क्यू कर दे कि 64 होगा, कर देंगे ना, कर देंगे। दोस्त देखिए क्वेश्चन दिया है, एक नोटेशन है जिस वाई बी से कह सकते हैं, तो देखिए 1925 यानी कहे तो दोस्तों दिया है वक्त एक के स्क्वायर, तीन के स्क्वायर और पाँच के स्क्वायर, ठीक यही दिया है पाँच के स्क्वायर दिया है, इसमें ही देखें यदि यहाँ देखें तो दो के स्क्वायर चार दिया, चार के स्क्वायर देखें सोलह दिया और छः के स्क्वायर देखें तो 36 दिया, यानी दो चार छः एक तीन पाँच, अब देखिए यहाँ तीन हो गया तो तीन के नौ होगा, पाँच हो गया तो 25 हो गया, तो तीन पाँच और देखिए तीन पाँच सात ले लेते हैं, देखिए ये हुआ का एक बार विषम संख्या लिया और एक बार सम संख्या लिया, तो फिर किसका बारी है, विषम संख्या का तो ही बारी है, तो तीन पाँच सात का वर्ग करेंगे तो 49, यानी देख लीजिए ना बक्सा सी सही है दोस्तों ऑप्शन, ठीक है जी हाँ दोस्त। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के अंदर तीन संख्या दिया है, तीन आठ चार और बीच में 48 दिया है, यहाँ कह रहा है पाँच सात दो और कह रहा है बीच में क्या होगा, ये बीच में भाट दे दिया, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं, देखिए दोस्तों ये आपका एक्सपीरियंस कब बढ़ जाएगा, जब आप खुद से क्वेश्चन ज़्यादा करने लगेगा तब बढ़ जाएगा, आते 24 दूना 48 फिर यहाँ आ जाते हैं तो पाँच गुना सात गुना दो और बटा दो, दो से दो खत्म हो गया, सात पाँच 35 ऑप्शन में देख लीजिए भी दिया है दोस्तों जी हाँ दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन तीन साइड में दिए गए हैं डिजिट दिए गए हैं, जैसे तीन चार पाँच ये दिया दोस्तों, पाँच बारह तेरह, यहाँ कह रहे हैं व्हाट पंद्रह सत्रह, तो व्हाट के जगह पर क्या होगा, तो दोस्तों आप पढ़े होइएगा पाइथागोरस पर में क्या होता है तीन के स्क्वायर और चार के स्क्वायर, एच बराबर आप पढ़े होइएगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर आज जोड़ बी स्क्वायर, पाइथागोरस पर में पढ़े थे ना मैट्रिक क्लास में पढ़े होइएगा, या हाइट एंड डिस्टेंस अंक गणित पढ़े होइएगा, तो वहाँ का मशहूर चीज़ है आपको मिला ही होगा, और नहीं पढ़े होइएगा तो देख लीजिए। तो देखिए पहला को हल करें, पहला को हल करें तो तीन के स्क्वायर नौ और सोलह, चार के स्क्वायर सोलह तो कितना हुआ 25 हुआ, 25 कितना पाँच है तो पाँच है, चलिए वही कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं दोस्तों, दूसरे पर लगाते हैं तो क्या होगा, रूट में लिखेंगे पाँच के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर होगा 25 और 12 का स्क्वायर 144, कुल मिला के कितना होगा 169 जो कि 13 का है, तो ये भी कंसेप्ट सही है, अर्थात इसी कंसेप्ट से यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा पी नहीं, यहाँ एच मालूम है, तो हम लोग पढ़े थे एच बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है एच बराबर होता है सीधा बी स्क्वायर माइनस पी, सॉरी पी ना निकालना है जी, पी निकालना है एक मिनट, पी निकालना है, तो पी बराबर होता है एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो एच आपको दे दिया है 17 का स्क्वायर और माइनस बी दे दिया आपको 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 289 आई 225 घटाइएगा तो जानते हैं कितना आएगा 64, और 64 किसका वर्ग है 8 का है ना, ऑप्शन में दिया है कि नहीं, आपका ऑप्शन सी हो गया। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज में बक्सा 90 डिग्री होता है, ये पी होता है इस कोण के लिए, थीटा यदि ई हो ए बी सी में तो ये पी जिसको कहते हैं लॉम्ब, समझे इसको बी, इसको कहते हैं बी जो कि है आधार, समझे अच्छा, ई होता है एच जिसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, ये कॉन्सेप्ट जानते होइएगा, वही कॉन्सेप्ट से बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ठीक है जी हाँ दोस्त। देखिए यहाँ तीन गोले वृत्त आकृतियाँ दी गई है,
जिसके इर्द गिर्द चार संख्या है, एक पाँच चार तीन, अंदर है 510। फिर देखिए यहाँ 3 4 6 2 650, यहाँ दे रखा है 1 2 8 0 वाट। ये पूछ रहा है वाट पर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसको करेंगे इजली तरीका है, बिल्कुल इजली तरीके से सब करेंगे। देखिए 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर और गुणते 10, तो देखिए 1 25 16 और 9, तो कितना होगा दोस्तों ध्यान से देखिए, 16 गो और 9 गो, 25 और 25 50 और 1 51 51 में 10 से गुना कीजिएगा 510 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उस प्रकार इसको भी उसी तरह इसको चेक कर लेते हैं, यानी 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर गुना 10, ठीक। तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, गुना 10 सबको जोड़िएगा तो 65 होगा, 65 में 10 से गुना कीजिएगा 650 होगा। उसी प्रकार इसको कर लेते हैं दोस्तों, 0 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर और सबके गुने में क्या होगा दोस्तों 10 होगा। ध्यान देखिए 0 का 1 बड़का 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, तनी बड़का 0 होगा, 1 का 1 होगा 2 का 4 होगा और 8 8 64 होगा, 0 का 0 ही होता है दोस्तों, बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। 64 8 68 और 1 कितना हो जाएगा, एक ध्यान से देखिए 64 8 68 69 69 गुणते 10 यानी 690, ऑप्शन में है दोस्तों डी 690, देख लिए ना इसी तरीके से बनेगा। जी हाँ, क्वेश्चन देखिए, दो इलिप्स दिया हुआ है जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, अर्थात काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कर रहा है 3 3 5 6 39 और कर रहा है 4 4 7 5 51, 3 4 5 5 व्हाट, ये व्हाट देखिए क्या हो। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, यदि यदि हम 3 में 3 से गुना कर दें और जो 6 में 6 से गुना कर दें, 6 में 5 से, तो 3 3 9 6 5 30 30 9 39, ये तो हो गया। इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, 4 गुने 4 आज जोड़ करेंगे 7 गुने 5, 4 चौका 16 आ 7 5 35, 6 5 11 1 3 1 4 1 5 51। देखिए दोस्तों इनका भी काम हो गया तमाम, तब आइए ना इसको कर लेते हैं अपना काम, 3 गुने 4 आज जोड़ 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, 4 3 12 5 5 25 जोड़िए तो 5 2 7 और 2 1 3 37, ऑप्शन में है क्या जी, है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं इलिप्स पर ही दे दिया है, दो इलिप्स है एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रही है, 0 6 4 2 12 2 10 8 6 26 और 2 14 10 12 वाट। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला को सॉल्व करते हैं, 0 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 2 कितना होगा, 12 होगा, कैसे देखिए 6 4 10 2 12 खत्म। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 8 और 6 तो 10 2 12 8 20 6 26 खत्म, इसको आइए 26 मिल गया, सही है। इसको देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 14 12 और 10 तो 10 10 20 और 10 30 30 4 34 4 38 2 40 40 ऑप्शन में है, ओके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का टोपी बना दिया, जोकर का टोपी, होली आइए रहा है दोस्तों, पहनिएगा, खूब गुलाल लगाइएगा, अपने लगाइएगा तो नहीं उनको लगा दीजिएगा, आइए तो देखिए, एक शंकु का टोपी दिया है और कह रहा है 7 5 6 5 21 13 21 7 और 8 दिया है दोस्तों, तो आइए इसको बनाइएगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे, 7 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 7 5 12 में 2 से भाग दीजिए 6 आ जाएगा, फिर इसको आते हैं 5 21 डिवाइड कीजिए 2 से भाग दीजिए 13 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करते हैं यदि उसी प्रकार, तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 और 7 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 21 7 28 28 में 2 से भाग देंगे दोस्तों 14 आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इतना ही नहीं, यह वीडियो इतना समाप्त हुआ, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है, यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जोरदार तरीके से, थोड़ा ज़्यादा दिल से खुश होइएगा तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों।